नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य ध्यान पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। और दोस्तों जो छोटी बड़ी सभी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देकर के उसकी स्थिति पूछ ली जाती है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाए इस पूरे वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य से किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है, और फिर पूरे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को ऑन मैप हम लोग देखेंगे राज्यों की स्थिति के हिसाब से अलग अलग। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन ये पूरा नॉलेजफुल वीडियो होगा, तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आप पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, नेशनल पार्क, या पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, यानी जयमंडल क्षेत्र हिंदी में अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो जयमंडल क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत आराम से समझिएगा। दोस्तों हमको याद रखना है कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए कुछ जो स्थितियां हैं, नेचुरल जो स्थितियां हैं उनको और सुव्यवस्थित तरीके से यहां पर रखा जाए, उसके लिए आप देखते हैं छोटे हिस्से में इनके संरक्षण, इनका संरक्षण प्रदान करने के लिए जयमंडल रिजर्व घोषित किया जाता है। फिर आप पढ़ते हैं कि उससे आगे की स्थिति जो बड़ी स्थिति होती है जहां पर अधिकता फिर ज्यादा हो तो वहां पर वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया, और फिर आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यानी अगर हम लोग देखें संरक्षण के क्रम में जीव जंतु और वनस्पतियों के, तो ये इनका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जयमंडल, फिर उसके बाद वन्य जीव, फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे लास्ट में हम लोग पाते हैं कि सबसे बड़े हिस्से पर कौन सा होता है, राष्ट्रीय उद्यान। यानी राष्ट्रीय उद्यान जो होंगे वो वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत भी उसका हिस्सा शामिल हो सकते हैं। अब दोस्तों कारण क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग दोनों कैसे होते हैं, कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूज होता है, तो आपको वैसे याद रखना है। दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आपको ऐसे ऐसे समझना है कि ये एक कोई एक निर्धारित एरिया हो गया, ये निर्धारित क्षेत्र हो गया जहां पर जीव जंतु और वनस्पतियों का संरक्षण यहां पर किया जाता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर हम लोग इसके दो हिस्से बटे होते हैं, केंद्रीय जोन जो होता है इसको कोर जोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और ये बाहरी जो हिस्सा होता है बफर जोन होता है, इसको बफर जोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिएगा दोस्तों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि बफर जोन को लेकर के, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वन्य जीव अभयारण्य में पूरा जो क्षेत्र होता है, पूरा जो क्षेत्र होता है, तो इस पूरे क्षेत्र में वैसे स्थितियां जीव जंतुओं के लिए या कह सकते हैं वनस्पतियों के लिए, सबके लिए कंडीशन होती है। तो यहां पर हमको याद रखना है कि जो बाहरी हिस्सा होता है, जो बफर जोन होता है, वो अगर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है तो कुछ यहां पर जो मानवीय कृत्य होते हैं उनके लिए छूट हो सकती है, जैसे कि आप सूखी लकड़ियां काट सकते हैं, यहां पर सूखी लकड़ियां काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों, घास यानी पशुओं के लिए चारा यहां पर काट सकते हैं, कुछ वन उत्पाद जैसे शहद आदि ये सब प्राप्त कर सकते हैं, कब, जब वन्य जीव क्षेत्र है वो वन्य जीव अभयारण्य है तो, लेकिन कहां से, बफर जोन से। लेकिन अगर दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो फिर यहां पर ना ही आप पशुओं के लिए चारा, ना ही वन उत्पाद, ना ही सूखी लकड़ियां, कुछ भी नहीं आप यहां से प्राप्त कर सकते। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो होगा वो पूरी तरह से रिजर्व होगा, पूरी तरह से रिजर्व होगा, कोई भी मानवीय जो गतिविधि होगी वो यहां पर मान्य नहीं होगी सिवाय मॉनिटरिंग वगैरह इन सब चीजों के, क्योंकि उसके आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो हमको याद रखना है कि वन्य जीव अभयारण्य में कुछ बाहरी हिस्सों में कुछ स्थितियों के लिए छूट दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में पूरा हिस्सा जो होता है वो रिजर्व होता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर कि संख्या, तो जयमंडल रिजर्व आप जानते हैं पूरे भारत में 18 है, ये क्वेश्चन अभी SSC में पूछा भी जा चुका है, इसके पहले जो परीक्षा हुई है। वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इनकी संख्या लगभग 535 के आसपास है। राष्ट्रीय उद्यान हम लोग अकॉर्डिंग टू NCERT बात करें तो 103 है। तो ये तो जनरल बात हो गई, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103, वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पर 535 और जयमंडल रिजर्व यहाँ पर 18। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो
पर जितना भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को, तो पूरे वीडियो पर आप बने रहिएगा जिससे आपको सब कुछ पता हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को अलग अलग देख लेते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को अलग अलग करके। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक राज्य के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं सलीम अली, दचीग्राम, किश्तवाड़ा और हिमिस। तो दोस्तों आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन में ये राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कौन कौन से? सलीम अली, दचीग्राम, किश्तवाड़ा और हिमिस। इसमें अगर हम लोग हिमिस की बात करें तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों सलीम अली की अगर हम लोग बात करें, यहां पर सलीम अली की बात करें तो आपको पता है कि ये श्रीनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और दोस्तों इसे सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। सलीम अली को आपको याद रखना है, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, यानी श्रीनगर में स्थित है और सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। दोस्तों रॉयल स्प्रिंग याद रखना है हमको, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, सलीम अली को रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों सलीम अली हमको याद रखना है कि श्रीनगर में सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था और रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दचीग्राम की अगर हम लोग बात करें, दचीग्राम, तो आपको पता है कश्मीरी मृग या जिनको कहते हैं हांगुल मृग। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बना आता है कि हांगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा? दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो ये चिनाब नदी के तट पर है। कहां पर स्थित है ये? चिनाब नदी के तट पर स्थित है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों हिमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ याद रखना है कि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। तो ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इनका संबंध किस राज्य से दिख रहा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा कि सलीम अली, दचीग्राम, किश्तवाड़ा, हिमिस, तो हमको ये उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख याद रखना है, जिसमें हिमिस मेनली याद रखना है कि लद्दाख के हिस्से में पड़ता है। सलीम अली, दचीग्राम, किश्तवाड़ा ये जम्मू कश्मीर में डिवाइड होते हैं और किश्तवाड़ा चिनाब नदी के तट पर है, दचीग्राम हांगुल मृग के लिए जाना जाता है, सलीम अली श्रीनगर में स्थित है और सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। हिमिस सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित, सबसे बड़ा और सिंधु नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग यहां पर बात करते हैं उत्तराखंड के लिए। तो दोस्तों आपको ये बात पता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग देखें तो गोविंद पशु विहार, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद पशु विहार, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, गंगोत्री, फूलों की घाटी और नंदा देवी। इसमें आपको पता है कि फूलों की घाटी बहुत ज्यादा जैव विविधता के लिए भारत में जानी जाती है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कि ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। ठीक है दोस्तों, 1934 सबसे पुराना है, कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो राम गंगा नदी है वो इसके मध्य से बहती है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो हमको याद रखना है कि राम गंगा नदी बहती है और ये सबसे पुराना है, कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, कौन सा? दुधवा। जबकि दोस्तों बिहार में अगर हम लोग बात करें, बिहार में तो राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का याद रखना है बिहार में। जबकि झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? बेतला। तो वाल्मीकि बिहार, बेतला झारखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, गोविंद पशु विहार, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, सब कहां पर? आपको याद रखना है उत्तराखंड में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य की हम लोग बात करें, हिमाचल की बात करें यहां पर, तो ये राष्ट्रीय उद्यान आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिम्बाल बारा। यानी हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा,
पिन वैली सिंबालबारा। तो दोस्तों उत्तर भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को अगर हम लोग देखें तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आप परेशान होइएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अकॉर्डिंग टू स्टेट। और टेलीग्राम अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों को आपको फॉरवर्ड करना है, सभी दोस्तों को आपको इसको शेयर करना है, जिससे उनको एक साथ सारी बातें यहां पर पता चल जाए। आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली और सिंबालबारा। तो ये हुए दोस्तों यहां पर उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जल्दी से देखते हैं पश्चिमी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं हम लोग पश्चिम भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों कालेसर और सुल्तानपुर, ये हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमको याद रखना है कि कालेसर और सुल्तानपुर कहां, हरियाणा राज्य के लिए। फिर अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे यहां पर गुजरात राज्य के लिए, तो गुजरात राज्य में हमको याद रखना है बसंदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन, या जिसे कच्छ खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। बसंदा, ब्लैक बक, गिर और मरीन। इसमें आपको पता है गिर जो है वो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान राज्य की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, आप स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स और मरु राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स और मरु राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कहां पर, राजस्थान राज्य में। तो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग बात करें तो हिमिस के बाद अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़े क्षेत्र में सेकेंड नंबर पर आएगा। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, मरु, ये सब कहां पर है, राजस्थान राज्य में। ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा यहां पर आप देख पा रहे हैं चंदौली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, पेंच और तड़ोबा, ये सब कहां है, महाराष्ट्र राज्य के। तो महाराष्ट्र राज्य में अगर राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे जाएंगे तो चंदौली कहां है महाराष्ट्र में, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, पेंच और तड़ोबा महाराष्ट्र में। दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा साझा करता है, तो इसलिए हम लोग इसको मध्य प्रदेश में भी पढ़ते हैं और महाराष्ट्र में भी पढ़ते हैं। तो चंदौली, गुगामल, नवेगांव, संजय गांधी, पेंच, तड़ोबा कहां पर है, महाराष्ट्र। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, राजस्थान। कालेसर, सुल्तानपुर हरियाणा। बसंदा, ब्लैक बग, गिर और मरीन कहां पर, गुजरात। जबकि महावीर या जिसको मोलियम कहते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कहां पर स्थित है, गोवा में स्थित है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की जो वीडियो है तो यहां पर आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पूरे वीडियो को अकॉर्डिंग टू जो स्टेट है वो समझ लीजिएगा। फिर इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको कई बार, इससे कि आपको आपकी जो बातें हैं वो यहाँ पर इससे रिलेटेड को माइंड में बैठ जाए। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया है तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को इसके तुरंत बाद। तो दोस्तों मध्य भारत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर मध्य प्रदेश राज्य की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में आप देख पा रहे हैं बांधवगढ़, कान्हा, फौसिल, माधव, पन्ना, पेंच, सतपिड़ा, संजय और वन विहार। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय उद्यान हुए कौन कौन से, बांधवगढ़, कान्हा, फौसिल, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय और वन विहार। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनाएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, हमको याद रखना है कहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। दोस्तों भितरकनिका और सिमलीपाल, ये हमको याद रखना है ओडिशा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। कहां के राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा राज्य के। भितरकनिका, भितरकनिका और सिमलीपाल कहां पर याद रखना है, ओडिशा राज्य में। दोस्तों पश्चिम बंगाल के हम लोग राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य के हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों को देखते हैं तो बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा। तो पश्चिम बंगाल में हमको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, तो पश्चिम बंगाल में हमको याद रखना है बुक्सा, गोरुमारा, नेवरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरबन और जल्दापारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर बातें याद रखनी है। दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहिएगा क्योंकि हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं पूरे राज्यों को, सभी राष्ट्रीय उद्यानों को, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आप सभी चीजें आराम समझ जाएंगे। और फिर लास्ट में हम आपको बता देंगे किस तरह से इनको आपको याद रखना है, माइंड में कैसे रहेंगे। फिर अगला देखिएगा दोस्तों इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास, तो ये राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे जाएंगे तो हमको याद रखना है कहां के राष्ट्रीय उद्यान है, ये छत्तीसगढ़ के। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। दोस्तों मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर हम लोग सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार 9-9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ शीर्ष पर स्थित है।
ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में, भी आगे देखेंगे। तो बांधवगढ़, कान्हा, फॉसिल, माधव, पन्ना, पे, सतपुड़ा, संजय वन विहार, मध्य प्रदेश में हमको याद रखना। तो ये हुए दोस्तों मध्य भारत के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जल्दी से देख लेते हैं पूर्वी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर पूर्वी भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सिक्किम में, तो आप देख पा रहे हैं कंचनजंगा। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आप देख पा रहे हैं? कंचनजंगा दोस्तों। फिर आप देखिएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, तो नामदफा, मौलिंग और पक्के। दोस्तों पक्के या पाखोई ये टाइगर रिजर्व भी है, पक्के या पाखोई भी कहते हैं टाइगर रिजर्व, तो इसको आपको याद रखना है। नामदफा और मौलिंग कहां पर है ये राष्ट्रीय उद्यान? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों नामदफा की अगर हम लोग बात करें तो 1972 में, 1972 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। नामदफा को 1972 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था, जबकि फिर उसके बाद इसको 1983 में, 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। हमको याद रखना है किसको? नामदफा को। तो नामदफा और मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, पक्के पाखोई के भी नाम से जाना जाता है, ये टाइगर रिजर्व भी है। अब दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें इतांकी की, तो इतांकी को आपको याद रखना है कहां पर है? ये नागालैंड में है। ठीक है दोस्तों, इतांकी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? नागालैंड में। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो कायगुल लामजोग और सिरोही, देखिएगा दोस्तों कायगुल लामजोग और सिरोही। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कायगुल लामजोग को, और कहां पर स्थित है? ये मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, तो कायगुल लामजोग और सिरोही ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हमको याद रखना है? मणिपुर। दोस्तों सिरोही जो लिली होता है उसी के नाम से जाना जाता है, फ्लावर यहां पर प्रसिद्ध है। तो कायगुल लामजोग और सिरोही मणिपुर। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के बारे में जो डिटेल अगर वीडियो आपको देखना है, इससे रिलेटेड कल्चर, यहाँ पर रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, तो आप चैनल पे जाइएगा, जीके फैक्ट में आप देखेंगे स्टार्टिंग में पूर्वोत्तर भारत की पूरी डिटेल नॉलेज आपको दी गई है, तो वहां से जाकर के आप इसको देख लेंगे, तो वहां पर भी ये डिस्कस किया गया था। तो कायगुल लामजोग आपको याद रखना है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके नाम से ये जाना जाएगा। दोस्तों फिर अगर उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर मिजोरम की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मिजोरम में मुरलेन और फोंगपुई। मिजोरम में हमको याद रखना है मुरलेन, मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फोंगपुई, या जिसको हम लोग ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइएगा यहाँ पर त्रिपुरा के लिए, तो त्रिपुरा में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से? क्लाउडेड लेपर्ड और विशो। तो क्लाउडेड लेपर्ड और विशो, या बाइसन भी जिसको बोलते हैं, तो क्लाउडेड लेपर्ड विशो कहां पर स्थित है? त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, असम की अगर हम लोग बात करें, असम राज्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और उरांग। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और उरांग, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है मानस और काजीरंगा ये सब गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा जिसमें कि लगभग 2413 यानी 2500 के आसपास यहाँ पर जो है गैंडों की आबादी है, तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा। दोस्तों असम में स्थान पड़ता है गोलाघाट, वहीं पर स्थित है काजीरंगा, जबकि मानस से आप पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से क्रॉस होती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित कौन सा? मानस। तो असम में बात करें डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और उरांग। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर मेघालय के बारे में, तो मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो बलपक्रम और नोकरे। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बलपक्रम और नोकरे। तो दोस्तों ये रहे पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख, इन सबको कहाँ याद रखना है हमको? कर्नाटक राज्य में। देखिएगा फिर से, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल और कुद्रेमुख कहां पर याद रखना है दोस्तों? कर्नाटक में। दोस्तों अंसी जो राष्ट्रीय उद्यान है 2015 में इसका नाम बदल करके काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया है, तो ये बात आपको याद रखना दोस्तों, 2015 में इसका नाम बदल करके क्या किया गया? काली टाइगर रिजर्व किया गया। तो अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। दोस्तों फिर अगर हम लोग केरल राज्य की बात करें यहां पर, केरल राज्य में देखिएगा
अनाई मुडी 16, एरविकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली। अनाई मुडी 16, एरविकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हमको याद रखना है कहां पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। इसमें दोस्तों पेरियार आपको याद रखना है जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। साइलेंट वैली आपको पता है सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है कौन सा, साइलेंट वैली। तो अनाईमुड़ी 16, एरविकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर याद रखने हैं, केरल में याद रखने हैं। दोस्तों तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें, यहां पर तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा तमिलनाडु में गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और पलानी हिल्स। अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और पलानी हिल्स, इन सबको हमको कहां याद रखना है दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बना सकता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से रिलेट करता हुआ, तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कि चेन्नई जो शहर है तो चेन्नई में ही स्थित है कौन सा, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। और जो भारत के जो बड़े शहर है उन शहरों में स्थित गुंडी राष्ट्रीय उद्यान का नाम आता है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान और आठवां सबसे छोटा भी है ये, और गल्फ ऑफ मन्नार, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और पलानी हिल्स, ये सब कहां याद रखने हैं हमको दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में याद रखने हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें मुकुर्थी की, तो जो नीलगिरी ताहर के नाम से भी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी ताहर के नाम से, नीलगिरी ताहर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं किसको, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को, और पलानी हिल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिएगा दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहां पर आंध्र प्रदेश की, तो दोस्तों पापीकोंडा और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में किसको किसको याद रखना है, पापीकोंडा और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, शेषाचलम जो पहाड़ियां हैं तो उन्हीं के अंतर्गत आता है ये वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम पहाड़ियां और तिरुमाला पहाड़ियां, शेषाचलम पहाड़ियां और तिरुमाला पहाड़ियों के अंतर्गत आता है कौन सा, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। पापीकोंडा आपको याद रखना है पूर्वी जो गोदावरी जिला है तो उसके अंतर्गत ही आता है। दोस्तों तेलंगाना राज्य में अगर हम लोग बात करें तो काशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा वनस्थली और मृगवाणी, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिणा और मृगवाणी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों, कहां पर स्थित है, तेलंगाना में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। और काशु ब्रह्मानंद रेड्डी आपको याद रखना है दोस्तों कि हैदराबाद में जो बंजारा हिल्स है, हैदराबाद में जो बंजारा हिल्स है और जुबली हिल्स, तो उसी का ये भाग है, हैदराबाद में बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स का भाग है कौन सा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है कि जुबली हिल्स कहाँ है, तो हमको याद रखना है तेलंगाना हैदराबाद में, और बंजारा हिल्स तेलंगाना हैदराबाद में, तो काशु ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में स्थित है, और महावीर हरिणा और मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों लास्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम लोग सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे तो अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान, और राज्यों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में 9 राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में देखिएगा दोस्तों कैंपबेल बे, महात्मा गांधी मरीन, मिडल बटन, माउंट हैरियट और नॉर्थ बटन, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक और साउथ बटन, तो ये 9 राष्ट्रीय उद्यान आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये रहे पूरे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का एक ओवरव्यू, आपने इसको पूरे वीडियो को देख लिया है और आई होप ये बात समझ में होगी। अब आपसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये करनी है कि राष्ट्रीय उद्यान आपके माइंड में रहे कैसे। तो दोस्तों आपसे बार बार हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को अगर आपने स्टेट वाइज ध्यान से देख लिया है, पूरे मन से देख लिया है, तो ये काफी हद तक आपके माइंड में हिट होंगे। दोस्तों रटना नहीं चीजों को, क्योंकि रटेंगे आप और आपको ये बात अच्छे से पता है प्रैक्टिकली कि एग्जाम में जाएंगे रट करके, तो वहां पर रटी हुई चीजें बहुत हद तक याद नहीं रहती है। तो इसको स्टेट के वाइज इसलिए मैंने आपको बता दिया है, डिफाइन कर दिया है, तो इसको स्टेट के वाइज आपने देख लिया है। फिर इसका पीडीएफ जो होगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के डाउनलोड करके उस पीडीएफ को अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पर मैंने लिखा है अपने हैंड रिटन नोट्स है वो, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको वो माइंड में बैठ जाए, समय मिले तो उसको फिर रिपीट करते रहिएगा, जिससे कि आपके माइंड में आसानी से बैठ जाए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, साथ ही साथ इसको भेज दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे लाभान्वित हों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।